24 घंटे के अंदर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खास करके YouTube, Facebook, Instagram और WhatsApp पर जमकर MSP से संबंधित एक फर्जी लेटर को वायरल किया जा रहा है। किसान भाइयों, आपको बता दूं कि ये जो लेटर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसको लेकर सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, चेतावनी जारी कर दी है कि जो भी इस भ्रामक जानकारी को फैला रहा है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप भी इस झूठी MSP के दावे में ना आए। आप देख सकते हैं कि सोयाबीन MSP बढ़ाने संबंधी भ्रामक समाचार फैलाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे। सचिव कृषि श्री सेल्वेंद्रन, यानी कि किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग श्री एम सेल्वेंद्रन ने बताया कि सोशल मीडिया पर वर्ष 2024-25 के लिए सोयाबीन की MSP बढ़ाने संबंधी फर्जी पत्र वायरल हो रहा है। यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर इसे इतना वायरल किया जा रहा है और भोले भाले किसान उसे समझ नहीं पा रहे हैं और उस फर्जी लेटर को वायरल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि फर्जी पत्र में प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के प्रमुख सचिव एस सेल्वेंद्रन के हस्ताक्षर से वर्ष 2024-25 विपणन खरीफ फसल सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 5,789 रुपए प्रति क्विंटल करने का जिक्र किया गया है, जो कि पूर्णतः फर्जी है और भ्रामक है। इस तरीके का सरकार ने कोई लेटर जारी नहीं किया है और ना ही किसान कल्याण विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया। आप देख सकते हैं कि सोयाबीन का जो भाव है वो 4,892 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य है और 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक इसकी जो खरीदी है वो की जाएगी और सरकार ने 4,892 रुपये प्रति क्विंटल इसका जो भाव है वो तय किया है। तो ऐसी भ्रामक जानकारी पर आप विश्वास ना करें। और खरीदी की अगर हम बात करें तो किसानों से समर्थन मूल्य पर जो खरीदी है वो 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 तक की जाएगी। यानी कि किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी को शेयर ना करें वरना आप पर कार्रवाई हो सकती है। जैसे ही मेरे पास वो लेटर आया और कई किसानों के मेरे पास मैसेज आने लगे तो मैंने सोचा एक वीडियो इस पर बना दूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों के पास शेयर जरूर करें और उन्हें सतर्क रहने को कहें।